Next question number 8. From a solid cylinder whose height is 2.4 cm and diameter is 1.4 cm, a conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid to the nearest centimeter square. Initially, यहाँ एक solid cylinder था. Solid cylinder का मतलब है एक ऐसा cylinder जो completely material से भरा हुआ था, जिसके अंदर कोई भी empty space नहीं था. लेकिन उसके बाद उसमें एक conical cavity form किया गया. इसका मतलब है उसके अंदर जो materials थे, उसको conical shape में remove कर दिया गया. कुछ materials को remove कर दिया गया. उसके बाद remove करने के बाद जो remaining portion है, उस remaining solid का हमें surface area निकालना है. तो जैसे ही यहाँ देखिए, जब ये सिलेंडर सॉलिड था, तब यहाँ पे टोटल तीन फेस थे, दो सर्कुलर और एक कर्व. लेकिन जैसे ही यहाँ पे कॉनिकल कैविटी फॉर्म किया गया, तो यहाँ पर जो कॉनिकल शेप में ये मटेरियल्स को निकाल दिया गया, तो ऊपर का फेस रिमूव हो गया. तो अब यहाँ पे टोटल कितने फेस हम देखते हैं. सिलेंडर का जो बेस है वो अभी भी है, सिलेंडर का जो कर्व सर्फेस एरिया है वो अभी भी, क्योंकि कॉनिकल कैविटी तो अंदर से बनाया गया, बाहर से तो अभी भी फेस है, तो बाहर का कर्व सरफेस एरिया है. और अंदर से कॉनिकल शेप में जब ये मटेरियल्स को निकल गया, तो अंदर एक कोन बन गया, तो अंदर में जो कोन का सरफेस है वो भी एक फेस हो गया. तो अभी इसमें तीन ही फेस है, लेकिन शेप थोड़ा सा बदल गया. इनिशियली दो सर्क्यूलर एक कर्व था, अब एक सर्क्यूलर एक कर्व और अंदर से कॉनिकल कर्व सरफेस एरिया है. तो अगर हमें इसमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड निकालना है, तो हमें बेस का एरिया, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया और कॉनिकल कैविटी उसका सरफेस एरिया. तो बेस का एरिया अगर हम निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया अगर हम निकालेंगे तो 2 पाई आर एच, और कॉनिकल कैविटी जो यहां पर कोन बन रहा है, इसका अगर हम सरफेस एरिया निकालेंगे तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे पाई आर एल, क्योंकि कोन का कर्व सरफेस एरिया हम निकालेंगे. तो इन तीनों फॉर्मूले की मदद से हमें यहां पर टोटल सरफेस एरिया मिलेगा. तो हम इनिशियली सारा डिटेल्स नोट कर लेते हैं. फॉर सिलेंडर, सिलेंडर में रेडियस, क्योंकि हमें डायमीटर दिया गया है, डायमीटर है 1.4 सेंटीमीटर, तो रेडियस उसका हाफ हो जाएगा 1.4 बाय 2 सेंटीमीटर, 0.7 सेंटीमीटर. अच्छा, इसको हम सिंबॉलिकली भी लिख देते हैं, रेडियस एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर. हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर. फॉर कोन, अब कोन में मेंशन किया गया सेम हाइट, इस वजह से हाइट सेम रहेगा, एंड सेम डायमीटर भी सेम है, इस वजह से रेडियस सेम रहेगा. रेडियस 0.7 है, तो 0.7 सेंटीमीटर. लेकिन हमें कोन का तो कर्व सरफेस एरिया निकालना है. इसमें दो डायमेंशन आ रहे हैं, रेडियस और स्लेंट हाइट. रेडियस तो अपने पास है, रेडियस इज 0.7, लेकिन स्लेंट हाइट तो अपने पास नहीं है, तो हमें पहले स्लेंट हाइट निकालना पड़ेगा. अब स्लेंट हाइट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. सो कोन का जो हाइट है, कोन का हाइट है 2.4 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज 0.7 सेंटीमीटर. पुट करते हैं यहां पर, 2.4 स्क्वायर प्लस 0.7 स्क्वायर. ओके, सो हम स्क्वायर करते हैं. 24 का स्क्वायर, अगर आपको स्क्वायर्स अप टू 30 तक याद है, तो 24 का स्क्वायर आपको आसानी से आ जाएगा 576. अब अगर इसमें 2.4 है, तो यहां दो डिजिट आ जाएंगे 5.76. सो 5.76. 7 का स्क्वायर 49 होता है, इसलिए 0.7 का स्क्वायर हो जाएगा 0.49. अब इनको हम ऐड कर लेते हैं, तो इसके साथ अगर हम 0.49 ऐड करेंगे, तो हमें 6.25 मिलेगा. सो अंडर रूट 6.25. अब 25 का स्क्वायर करने से हमें 625 मिलता है, तो इन रिटर्न अगर हम रूट ऑफ 625 करें, तो हमें 25 मिलेगा. अब इसमें दो डिजिट डेसिमल है, तो यहाँ एक डिजिट डेसिमल हो जाएगा. इसमें जितने डिजिट होंगे, इसमें हाफ हो जाता है, तो दो डिजिट डेसिमल है, तो एक डिजिट डेसिमल स्क्वायर रूट में आ जाएगा. सो 2.5
सेंटीमीटर, ये हमें स्लैंट हाइट मिल गया। अब स्लैंट हाइट की मदद से हम सरफेस एरिया निकाल सकते हैं, तो यहां मैं स्लैंट हाइट को भी नोट कर लेता हूं, स्लैंट हाइट इज 2.5 सेंटीमीटर। अच्छा, अब हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड निकालना है। देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड इक्वल्स 2 pi, पहले मेंशन कर देते हैं, CSA ऑफ द सिलेंडर प्लस CSA ऑफ द कोन प्लस बेस एरिया। ये सब डिटेल्स है, तो हम वन बाय वन वैल्यू पुट करते हैं। CSA ऑफ द सिलेंडर 2 pi r h, CSA ऑफ द कोन pi r l, बेस एरिया इज pi r square। अब सब में pi r कॉमन है, तो हम pi r को कॉमन ले लेते हैं। pi r, यहाँ 2 और h बचेगा, यहाँ स्लेंट हाइट बचेगा, यहाँ 1 r बचेगा, क्योंकि हमने एक ही r कॉमन लिया, यहाँ r स्क्वायर है, तो इसलिए 1 r बचेगा। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं, 20/7। रेडियस, दोनों ही केसेस में रेडियस 0.7 है, तो हम 0.7, 2 इंटू हाइट ऑफ द सिलेंडर और हाइट ऑफ द कोन सेम है, इस वजह से यहाँ 2.4 दोनों ही सेम है, सो 2.4 प्लस स्लैंट हाइट हमने निकाला है, स्लैंट हाइट 2.5, सो 2.5 एंड प्लस रेडियस 0.7। आप यहाँ कैंसिलेशन कर सकते हैं, 7 से 0.7 को कैंसिल करेंगे तो 0.1, 22 इंटू 0.1 इज 2.2, 2 इंटू 2.4 इज 4.8 प्लस 2.5 एंड 0.5, 25 और 7 कीजिए, 25 और 7 इज 32, सो 2.5 और 0.7 हो जाएगा 3.2, दोनों हम ऐड करते हैं, सो 2.2 मल्टीप्लाई, दोनों ऐड करने से हमें मिलेगा 8.0, सो 8.0 को हम, 0.0 का तो वैल्यू होता नहीं, आप सिर्फ 8 लिखिए, 0.0 लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8 × 22, सो 8 × 16, सो 1 इन हैंड तो 17 हो जाएगा, और 1 डिजिट डेसिमल है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमने निकाल दिया एरिया ऑफ एरिया ऑफ द टोटल सर्फेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया निकल तो गया, लेकिन हमारा सवाल था टोटल सरफेस एरिया आप निकालिए बट नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब हमें टू द होल नंबर हमें इसे राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो 17.6 को अगर हम राउंड ऑफ करते हैं तो हमें मिलेगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि देखिए अगर 17.6 है और मुझे इसे होल नंबर में राउंड ऑफ करना है, तो होल नंबर में 7 है, और मुझे अगर 7 को राउंड ऑफ करना है तो मुझे इसका नेक्स्ट नंबर देखना पड़ता है। देखिए डिजिट्स को हम दो ग्रुप में बांट लेते हैं, 0 to 4 एंड 5 to 9। अगर इस ग्रुप में मुझे ये नंबर मिलता तो मैं यहाँ पे कोई इंक्रीज नहीं करता, एज इट इज 17 कॉपी कर लेता है, उसके बाद पॉइंट के बाद जो भी वैल्यू है उसको जीरो बना देता, मतलब 17.0। लेकिन अगर मेरा ये डिजिट सेकंड ग्रुप में लाई करता है, 5 to 9 के बीच में लाई करता है, तो मुझे यहाँ पे 1 ऐड करना पड़ता है, तो 17+1 इज 18 एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट बिकम 0, तो 18.0 मीन्स हम सिर्फ 18 लिख सकते हैं, क्योंकि उसके बाद 0.0 का वैल्यू नहीं होता है, तो हम सिर्फ 18 लिखेंगे। तो इस तरह से ये नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, अ वुडन आर्टिकल वॉज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर। If the height of the cylinder is 10 cm and its base is of radius 3.5 cm, find the total surface area of the article. पहले हम wooden article को समझ लेते हैं। ये wooden article initially एक cylinder था, जिसका height 10 cm and base radius is 3.5 cm. Then उसके बाद दोनों ही end से दो hemisphere को scoop out किया गया है।
स्कूप आउट का मतलब है ये जो सॉलिड सिलेंडर था इसमें जो भी मटेरियल से ये सॉलिड सिलेंडर बना हुआ है उसमें से दोनों ही बेसिस ऊपर और नीचे दोनों ही बेसिस से मटेरियल को निकाला गया इन द शेप ऑफ हेमिस्फीयर, यहां से भी यहां से भी। तो सवाल पूछा है मटेरियल को हेमिस्फेरिकल शेप में निकालने के बाद इसका जो नया शेप फॉर्म हुआ है इस शेप का हमें इसका सरफेस एरिया निकालना है। तो इसके लिए हमें यहां पर देखना है एट प्रेजेंट यहां कितने सारे सरफेस है और वो कैसे टाइप के हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया तो वो अभी भी इसमें मौजूद है क्योंकि स्कूपिंग आउट तो ऊपर वाले फेस और नीचे वाले फेस में हुआ है जिसके वजह से ऊपर का सर्कुलर फेस यहां से रिमूव हो गया और वहां एक हेमिस्फीयर बन गया एंड नीचे भी नीचे का सर्कुलर फेस रिमूव हो गया यहां भी एक हेमिस्फीयर बन गया। मतलब इसमें तीन फेस बन रहे सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, ऊपर हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया, नीचे हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया। तो अगर हमें इस रिमेनिंग सॉलिड का सरफेस एरिया निकालना है तो फिर हमें सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा जिसका फॉर्मूला हमें मिलेगा 2πRh। यहां जो नया शेप फॉर्म हुआ है हेमिस्फीयर उसका हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा जिसका फॉर्मूला 2πR2। यहां भी एक हेमिस्फीयर है सो इसका भी कर्व सरफेस एरिया अगर हम निकालें सो 2πR2। अब टुगेदरली इन सारे फॉर्मूलेस की मदद से हमें इस आर्टिकल का सरफेस एरिया मिलेगा। तो हम यहां पर पहले डिटेल्स नोट कर लेते हैं। डिटेल्स फॉर सिलेंडर का जो हाइट है 10 सेंटीमीटर, रेडियस बेस रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। अगर हम फ्रैक्शन में इसको लिखें तो 35 वन डिजिट डेसिमल है तो वन डिजिट डेसिमल होने से हम इसको 35/10 लिख सकते हैं। देन हम 5 से अगर ऊपर और नीचे कैंसिल करें ऊपर 7 नीचे 2 सेंटीमीटर ये मिलेगा। तो हम जब सम करेंगे तो सम में हमें जब रेडियस पुट करना होगा तो हम वहां का सिचुएशन समझ के हम इन दोनों में से कोई भी वैल्यू वहां पुट कर लेंगे। अच्छा नेक्स्ट यहां पे है फॉर हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का यहां पे एक ही डायमेंशन है वो है रेडियस। एंड जबकि यहां पे जिस तरीके से हेमिस्फीयर को यहां से स्कूपिंग आउट किया गया है तो उस हिसाब से तो यही लग रहा है कि इसका जो रेडियस है सिलेंडर का जो रेडियस है वो हेमिस्फीयर का भी रेडियस है। सो 3.5 सेंटीमीटर या फिर आप 7/2 सेंटीमीटर, हमारे पास रेडियस के लिए दो ऑप्शन है और हेमिस्फीयर में उसके अलावा कोई डायमेंशन होता नहीं है। तो फिर हम इन्हीं को यूज करके सरफेस एरिया निकालते हैं। तो सवाल है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। तो हम शुरू करते हैं सरफेस, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल इक्वल्स सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया CSA ऑफ द सिलेंडर प्लस, यहां दो हेमिस्फीयर है तो हम एक साथ लिख लेते हैं तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ टू हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ टू हेमिस्फीयर अब सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया मतलब 2πRh अब और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर मतलब 2πR2। तो 2πR2 यहां भी है यहां भी है, दो हेमिस्फीयर है तो हम इसमें दो को अलग अलग करके भी लिख सकते हैं या फिर चाहे तो हम इसमें 2 मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ओके अच्छा यहां अगर आप मतलब इस चीज को आप क्लियर कर लीजिए, जैसे यहां दो अलग अलग सॉलिड्स है, एक तो सिलेंडर है एक हेमिस्फीयर है, तो दोनों ही केसेस में रेडियस तो 3.5 ही है, दोनों ही शेप का रेडियस सेम है, इस वजह से मैंने दोनों में जो रेडियस यूज किया उनका अल्फाबेट्स आइडेंटिकल यूज किया,
सेम लेटर्स यूज किया, लेकिन अगर मुझे ऐसे दो अलग अलग सॉलिड मिलते जिनका रेडियस हमें डिफरेंट मिल रहा है, इन दैट केस हम रेडियस अलग अलग लेंगे, एक में कैपिटल लेटर ले लेते हैं या फिर एक में स्मॉल लेटर ले लेते हैं, मतलब हमें किसी भी हाल में दोनों रेडियस के अल्फाबेट्स को डिफरेंट शो करना है बिकॉज उनका न्यूमेरिकल वैल्यू डिफरेंट होता तो इसमें सेम है तो हम सेम रेडियस लेंगे, आइडेंटिकल लेंगे। तो अगर हम आइडेंटिकल ले रहे हैं तो फिर हम इसमें कॉमन ले सकते हैं जिसे हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो हम इसमें कॉमन लेते हैं, दोनों में ही हमें टू कॉमन मिल रहा है, पाई कॉमन है, रेडियस कॉमन है, तो हमने कॉमन ले लिया। यहाँ हमें हाइट मिलेगा, यहाँ एक टू बचेगा, एक रेडियस बचेगा क्योंकि हमने एक ही रेडियस कॉमन लिया, बट यहाँ दो रेडियस थे तो एक रेडियस बचना है यहाँ। देन हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, टू पाई की वैल्यू 22/7। अब रेडियस देखिए, हमारे पास दो ऑप्शंस थे रेडियस के, 3.5 7/2। अब मैं अगर 3.5 लूँ तो बनेगा, बट 3.5 लेने से जब हम कैंसिल करेंगे हमें डेसिमल में मिलेगा। अब डेसिमल का कैलकुलेशन ठीक है, इजी है, लेकिन इतना ज़्यादा इजी नहीं है, इसको और थोड़ा ज़्यादा इजी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम दूसरा वाला रेडियस यूज करते हैं 7/2, तो एक फायदा है कि हमें डेसिमल भी नहीं मिलेंगे और सब कुछ कट भी जाएगा, कैंसिल भी हो जाएगा, 7/7 कैंसिल हो जाएंगे, 2/2 कैंसिल हो जाएंगे, तो डेसिमल भी नहीं मिलेगा, तो ये उससे ज़्यादा इजी है, तो हम 7/2 प्रेफर करेंगे। एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पुट करते हैं 10 सेंटीमीटर। 2 into रेडियस अगेन हम 7/2 यूज करेंगे क्योंकि 7/2 यूज करने का फायदा है कि 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हम कैंसिल कर लेते हैं 7 को 7 से, 2 के साथ 2, यहाँ भी 2 के साथ 2 हम कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ बचेगा 22 एंड यहाँ पे मल्टीप्लाई डाल लेते हैं 10+7 17। ओके, तो इसको मैं आपको एक बार इजी तरीके से करना सिखाता हूँ, बहुत इजी है, मैं इसको ब्रेक कर लेता हूँ, सो मैं ये रफ वर्क कर रहा हूँ। ओके, सो 2 into 11, 22 को मैंने ब्रेक कर लिया, देन 17, 2 को आप 17 से मल्टीप्लाई कीजिए, 11 को अभी रखिए, 2 into 17 is 34 एंड 34 into 11, तो मैंने आपको बताया था 3 लिखिए, 4 लिखिए एंड दोनों का जो सम है 3+4 वो आप बीच में लिखिए, तो इस तरह से ये प्रोडक्ट बन जाता है 374। कोई टफ कैलकुलेशन मैंने किया नहीं, एकदम सिंपल तरीके से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो इजी कैलकुलेशन है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर सरफेस एरिया, जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल है, वो हमें मिल जाता है।